मतलब कन्वर्ट हो जी सुकून सुकून वाला अच्छा से ज्यादा सीमा की शॉपिंग हो रही है अपने लिए पता नहीं क्या क्या ले फाइनल हुआ है कि हम दोनों मार्केट जा रहे हैं चलो चलते हैं तो चलो चलते हैं फिर इसके पास कपड़े नहीं है ये ऐसे बोलते पहनने के टाइम पे रोज ऐसे होता हमारे साथ सबके साथ ऐसे होता पहनने के टाइम पे अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो इसके पास ना मेरे से ज्यादा होंगे हाँ तो चलो चलते हैं। अभी ना हम हो चुके हैं तैयार और हम अभी जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कुछ काम भी था सीमा का भी था और आज है बुधवार तो सीमा के में से छुट्टी रहती है तो मैंने सोचा उसका काम आज जो काम है ना वो कर लेते हैं तो चलो चलते हैं। और आज ना आज जन्माष्टमी ये वीडियो मेरा कल आएगा तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर मंदिर में सजावट हो रखी होगी मैंने जैसे भी कल रात बोला था कल रात तो हमको मिला नहीं कुछ भी अगर आज दिखाई देगा तो आज कन्फर्म आपके लिए। और हाँ एक और भी वजह है कि जो मैं जा रही हूँ अगर झांकियाँ निकल रही होंगी तो आपके लिए तो कन्फर्म दिखाऊंगी तो चलो चलो। तो यहाँ से ना हमको पता चल गया था ना कि वहाँ पर मेला भी लगा है तो हमने सोचा कि मेले को भी मतलब मेले में भी घूम के आ जाएंगे। और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फीवर कोल्ड फीवर जो भी है वो हो रखा है तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ा अजीब सी आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं सीमा को ना बहुत चिढ़ा रही थी क्योंकि इसकी दोस्त की वीडियो कॉल आई थी तो ये मुझे दिखा रही थी तो मैं इसको ना बहुत चिढ़ा रही थी उन्हीं के सामने इसकी बेइज्जती कर दे रही थी। तो यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो रही थी वही मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि इतनी आफत आई है हम पे कि इतनी गर्मी में हम जा रखे हैं। तो यहाँ पर ना आज ना जन्माष्टमी थी तो मतलब कल थी जन्माष्टमी तो यहाँ पर ना सबके हाथ पे मोर पंख कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी और पूरी मार्केट में ना ये कृष्ण जी राधा जी के कपड़े लगे हुए थे। और ये है मतलब यहाँ का प्रेमनगर का सबसे बड़ा मंदिर जिसे शिव मंदिर बोलते हैं। तो मंदिर के अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं एक साल तक खैर तो मंदिर के अंदर मैं गई नहीं बस मैंने यहाँ से ही दिखा दिया दूर से कि कुछ ऐसा सजा है मंदिर और रात रात में ना और भी ज़्यादा चमकेगा क्योंकि मतलब अंदर जहाँ पर ये चुन्नट वगैरह लगे हैं ना उसके अंदर भी बहुत अच्छा सजा रहता है क्योंकि पिछले साल भी सेम सजा था तो इसलिए बता रही हूँ। तो मैंने ना सीमा को बोला अंदर से बहुत अच्छा रहता है मैं नहीं जा रही पर तू चले जा करके क्योंकि हम तो वैसे नहीं जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सीमा को अंदर भेज दिया और मैंने उसका अभी जितनी रात हो रही बाहर पे उतनी इधर से हम निकल गए थे। चलो चलते हैं सीधे मिलने और यहाँ पे ना दुकानें भी लग रही हैं मतलब अभी लगना शुरू हो गई इस साइड पे दुकानें और पूरा यहाँ तक ना पूरा आगे तक लग जाएंगे इसके बाद दुकानें पूरा यहाँ तक लग जाएंगी दुकानें अभी तो आधा आधा लगी हैं। ऐसा मन करा था कि वहीं बैठ कर रहना है मतलब सुकून को ना वहाँ पे ना ऐसा सीमा बोली कि मुझे ऐसा लग रहा था ना वहाँ पे सुकून कि मतलब वहीं पे बैठे रहना था और यहाँ से जाना नहीं था सारी टेंशन फ्री मतलब जंग जीत के आगे वाली फीलिंग आ रही थी है ना। यहाँ पे ना लोग अपनी गाड़ियों को ले लेके आ रहे दर्शन करने के लिए। चलो इसको ना मेला भी घुमा देती हूँ फिर नहीं तो आज से इसकी छुट्टी है और कल ये आ नहीं सकती क्योंकि इसकी कोचिंग हो जाएगी तो मैंने सोचा आज इसको मेला भी दिखा देती हूँ। चलो यहाँ पे जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना तो यहाँ पे लगाया मेला और अब जाते हैं हम मेले के अंदर। इस बार ना मुझे लगता है कि छोटे तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मेले में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है इतनी ज़्यादा है ना कि अंदर ब्लॉगिंग करना तो बहुत मुश्किल है तो आप लोगों को भी हम दिखाते हैं इस मेले में क्या क्या रहता है। पहले वैसे हमने पहले ब्लॉगिंग करी हुई है इस मेले में क्या क्या रहता है वो चीज़ आपको तो यहाँ पे आ चुके हैं हम मेले में और पीछे में चलो चलते हैं मेले के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है अंदर।
सीमा की शॉपिंग हो रही है अपने लिए, पता नहीं क्या क्या ले रही है सीमा। ले ले ले, यहाँ पे इतनी भीड़ है ना दोस्तों, और फिर भी सीमा चले। तो इतना घूमने के बाद ना मेरे को तो कुछ नहीं मिला, फिर इसको ना बहुत कुछ दिख रहा था लेने के लिए, कितनी चीजें पता, तो मैंने इसको बोला नहीं लेना नहीं लेना नहीं, क्योंकि अगड़म शगड़म पता नहीं क्या क्या ही ले रही थी। और ये ना मुझे बहुत अच्छे लगे लकड़ी वाले सामान ना, पर मैंने फिर भी नहीं ली। ये देखो, चमक छल्ला छैल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली। यहाँ पे ना जो ये अंग्रेज भैया है ना, यहाँ पे ये धुएं वाले बिस्किट खिला रहे हैं, तब मुंह के रास्ते धुआं निकल रहा है। तो हम निकल चुके हैं मेले से, और मैं भी ये वाला ये सामान लाई, सीमा भी अपना सामान लाई। घर जाके दिखाएंगे आपको क्या लाए। और अभी ना इसको अपना एक हाथ का कंगन चाहिए था, वो कंगन नहीं मिला इसको, अब वो कंगन ढूंढने के लिए फिर अभी पता नहीं कहाँ जाएगी। चलो घर हम आ गए थे, खाना हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, बस ड्रेस चेंज नहीं किया है ना। तो ठीक है फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक आप लोग खुश रहें और अच्छे रहें। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं एक नए ब्लॉग।